सिलेबस इतना ज्यादा है तो सोचो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। 25-25 क्वेश्चन हर कैटेगरी से आएंगे और एक एक कैटेगरी, एक एक टॉपिक जो है ना वो आगे सब टॉपिक्स में डिवाइड है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। राम राम भाई, सभी को सनातन धर्म की जय और सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉम्बाइंड एजुकेशन, दिस इज धर्म महाजन। दोस्तों जब मैं ये चीज कहता हूँ ना वेलकम बैक टू अवर चैनल, तो उसके पीछे एक मेरा मोटिव रहता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ गर्म महाजन का नहीं है, ये चैनल आप सभी सब्सक्राइबर्स का भी है। जिस तरह से एक घर बिना फैमिली मेंबर्स के घर नहीं बनता, उसी तरह से एक यूट्यूब चैनल बिना उसके सब्सक्राइबर्स से चैनल नहीं बनता, तो ये चैनल आप सभी का है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जेके पुलिस में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट जो स्टार्ट हो चुकी है 30 जुलाई की, अब उसमें सारा जो आपके डाउट्स हैं, जितने भी ओवरव्यू है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, रिक्रूटमेंट किस तरह से की जाएगी, फिजिकल टेस्ट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। दोस्तों पहले तो सबसे पहले जेकेपी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है, कितनी पोस्ट के लिए, वो है 4022 पोस्ट के लिए। दोस्तों अब इसका सिलेबस क्या है, इसकी समरी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB। पोस्ट नेम रहेगा जेके पुलिस कांस्टेबल जॉब 2024 और वैकेंसीज रहेगी इसमें 4022। एप्लीकेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हो चुका है वो रहेगा 30 जुलाई 2024 से 29 अगस्त 2024, इन डेट्स के बीच में आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन मोड का क्या रहेगा, ऑनलाइन, और सैलरी क्या रहेगी, पोस्ट वाइज सैलरी आपको मिलेगी। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 30 जुलाई 2024 को, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई थी 30 जुलाई 2024 को, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 29 अगस्त को, और एग्जाम फी लास्ट डेट रहेगी 29 अगस्त 2024 को। करेक्शन लास्ट डेट और एग्जाम डेट अभी जारी नहीं किया है SSB ने, जब जारी करेगा मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू नोटिफाई कर दूंगा। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 700, OBC EWS के लिए 700, SC ST और फीमेल के लिए 600। पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। दोस्तों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इन फेजेस में आपकी सिलेक्शन होगी। फेज 1 है रिटन एग्जामिनेशन, फेज 2 फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फेज 3 फिजिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट, और फेज 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फेज 5 मेडिकल एग्जामिनेशन। 5 पड़ावों को आपको पार करना पड़ेगा अगर आप JKP में कांस्टेबल की पोस्ट चाहते हो। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, उसमें जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 25, और एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25, इंग्लिश के 25 और रीजनिंग के 25। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। MCQ बेस्ड पेपर रहने वाला है। जनरल अवेयरनेस का अगर हम सिलेबस समझें तो कोडिंग, डिकोडिंग, जनरल इंटेलिजेंस, अल्फाबेट सीरीज, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, डायरेक्शन, ज्योग्राफी, नंबर सीरीज, लिटरेचर, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, और उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, चेन रूल, प्रोबेबिलिटी, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर्स, पाइप्स एंड क्लस्टर, लॉगरिथम, सिंप्लीकेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, डेसिमल फ्रैक्शन, स्टॉक्स एंड शेयर, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, एलिगेशन और मिक्सचर। उसके बाद एप्टीट्यूड और एनालिटिकल एबिलिटी की बात करें तो स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, एरिथमेटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, डायरेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्यूब्स, डाइस, डिसीजन मेकिंग और ब्लड एलिगेशन। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, रिवर्स लेक्स एंड सी, स्पोर्ट्स, आर्टिस्ट, इंडियन इकोनॉमी, टूरिज्म, इंडियन पार्लियामेंट, फेमस प्लेस इन इंडिया, ज्योग्राफी,
एनवायरमेंटल इश्यूज, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, हेरिटेज, जनरल साइंस, लिटरेचर, बायोलॉजी, सिलेबस के टॉपिक्स के नाम सुनते सुनते ही इतने टॉपिक है कि कंप्लीट होने ही नहीं आते और इनके आपको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। अगर हम पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या पीएटी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल के लिए हाई चाहिए 5.6 और चेस्ट की एक्सपेंशन चाहिए 3.5 इंच, फीमेल में हाई चाहिए 5.2 फीट। हम कैंडिडेट्स की बात करें जो लद्दाख रीजन के हैं या गोरखा कम्युनिटी के हैं तो मेल के लिए हाई चाहिए 5.4 फीट, चेस्ट एक्सपेंशन 33.5 एक्सपेंशन चाहिए, फीमेल की हाई चाहिए 5 फीट। अगर हम पीईटी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो लॉन्ग रेस करनी पड़ेगी मेल को 1600 मीटर 6 मिनट्स में और फीमेल को 6 मिनट्स में 1000 मीटर। पुशअप्स लगाने पड़ेंगे मेल को 20 और फीमेल को कोई नहीं। शॉर्ट पुट्स मेल को कोई नहीं लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये था ओवरव्यू जेकेपी कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट का, जिसमें हमने सिलेबस समझा, फेजेस समझे, आपके एग्जाम मोड समझा, उसके बाद और भी थोड़ी बहुत चीजें समझी, एप्लीकेशन लास्ट डेट वगैरह। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसी तरह से अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से क्लिक करना। अगर पॉसिबल रहा तो एग्जाम डेट तक इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जैसे इंडियन पॉलिटी है तो उसके कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएगा, इन सभी के बारे में आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिए।